दो शटर ताले लगे कन्ने पौड़ी है ओरा भी ताला लगे ताले सारे लगे हूं अस नहीं पता चला करता कि बाबरा चढ़े दा जां पौड़ी दा आई निशान लगे भैया उपरों तोड़ी आए दा कैमरे बारह चार सारी कटी कैमरे तोड़ी उड़े दा इतने DVR वगैरह लगे तो DVR वगैरह चुके दा उन्हें ये वाली भी आपकी है सतपाल एंड सन्स के नाम से ये बाहर में फैल दिया और ये लाग तोड़ दिया इसके अंदर से मेरा जहाँ से उठाइए पूरी राहुल इसका भी सेम यहाँ से बंदा गुस्सा घुसने के है कोई लग रहा है आपको देखो ऐसा था सर जब मैं खाली बंद करके गया ना ये पूरा आप मुझे बताओ यहाँ ऊपर इधर नीचे से ये बंदा एंटर कर सकता है जी सर क्या नाम है और कहाँ पे ये चोरी हुई है मेरा नाम विजय शर्मा है मेरी दुकान का नाम श्री रघुवीर दास इंटरप्राइजेज है मैंने खाद का काम रखा है मेडिकल दवाइयाँ उछवाइयाँ एग्रीकल्चर सामान रखा है मेरे ना पहले भी एक साल पहले चोरी हुई थी एक साल चोरी होने के बाद भी मेरी ना कोई रिकवरी हुई वो DVR वगैरह वो भी थाने था उसके बाद मैंने नया DVR लाया वाईफाई लाया दोबारा दुकान पे कैमरे वगैरह फिट करवाए अब दोबारा DVR वगैरह उठा के लेके गए हैं वो तो कैश ले गया मेरा ये मेरा नुकसान कर गया है पहले भी जब चोरी हुई मेरे को बुलाते थे कैसे हुई क्या हुई मगर इनको पूरी रिकॉर्डिंग मिली उसमें भी 6 बंदे इन्वॉल्व थे 6 बंदों पर एक बंदे पर FIR रजिस्टर हुई थी तो इस बार भी दोबारा चोरी हो गई ये पौड़ी लगा के इन्होंने ऊपर चढ़े हैं ऊपर
मोंटी का दरवाजा तोड़ा, उसके अंदर बड़े हैं। वो अंदर बढ़ने के बाद इन्होंने बाहर शायरे कैमरे की ये सारी तोड़ी है, सारी काटी है इन्होंने। ये काटने के बाद पैर इनके लगे हैं अंदर, ये सारा ये नुकसान करके गए हैं। कुल मिला के बात करें तो कितना नुकसान हुआ? 35,000 रुपया कैश था, जो 14,000 रुपये का DVR था, वाईफाई था, 2,000 रुपये का, बस यही सामान वो लेके गए हैं। और कुछ अभी पता नहीं चला था। तो क्या देखते हैं कि पुलिस मैक्सिमम कहती है कि आप CCTV कैमरे लगाएं जिससे कि पता चल सके, तो आपने CCTV कैमरे भी लगा रखे हैं, उसके बावजूद इस तरह की वारदातें हैं, क्या देखते हैं? देखो ये मैंने पहले भी चोरी हुई थी, उस समय भी इन्होंने 6 बंदे पकड़े थे, उनके साथ DVR था, मिल गया DVR, उसके कार्ड इनके पास रिकॉर्डिंग थी, सब कुछ थी, फिर भी इन्होंने एक बंदे पर ही FIR की थी। उस समय भी मेरे को बोलते थे क्लेम लेने का इरादा तो नहीं है, पर मेरे को वो क्लेम भी नहीं मिला। अब दोबारा चोरी हो गई है तो बस उल्टा जिसकी दुकान पे चोरी होती है वही हरासमेंट होता है। आगे भी बोल रहे हैं कि आगे भी दुकान पे चोरी हुई है, मेरी तो हुई है, अगले भी किसी का नुकसान कर दिया। प्रशासन यही मांग करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरी बारी काम हो गया है, ये तो बड़ा मुश्किल है। सर नगरी में है जहाँ पर मैं ठेके के पास में एक न्यू दुकान खोली है, जो इसका नाम रखा मैंने वर्मा अलमोनियम हार्डवेयर। ये न्यू दुकान खोली है मैंने, जहाँ पर कोई कैमरा नहीं अभी तक लगाया है, लेकिन रात को जहाँ पर चोरी हो गई है और उन्होंने गल्ला तोड़ करके जहाँ से कुछ कैश लेके गए हैं, बाकी अंदर का सामान तो नहीं उन्होंने छेड़ा, लेकिन मेरे साथ में 2-3 दुकान और थी वो भी तोड़ दिया उन्होंने। कौन से रास्ते से आए थे? मुझे पीछे से उन्होंने लगा सीढ़ी लगा करके उन्होंने ऊपर चढ़े और वहाँ से मोटी तोड़ करके अंदर आए। क्या देखते हैं और भी यहाँ पे चोरी हुई है एक? हाँ मेरे पास में एक और दुकान थी छोटू शर्मा की, उसकी भी दुकान उन्होंने वैसे ही तोड़ी है जैसे मेरी दुकान तोड़ी है उन्होंने। और मेरे पास में एक और दुकान है साथ में ही, उसका भी शटर ऊपर से तोड़ा, लेकिन उस दुकान के अंदर कुछ नहीं था। आपका कितना नुकसान हुआ अभी? मेरा नुकसान कोई 2,000 रुपया कैश निकाल के गए हैं। क्या देखते हैं इस तरह से जो लगातार चोरियाँ हो रही हैं जहां नगरी में? तो अभी तो मैंने अभी नवी दुकान खोली है जी, इसमें मेरी तो पहली बार जहाँ पर चोरी हुई है, लेकिन छोटू की तो दूसरी बार चोरी हुई है, छोटू शर्मा की दुकान दूसरी बार चोरी है, लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ उसके ऊपर अब तक। लेकिन चोर जो भी है वो चोर है, लेकिन उसके बीच में अगर हम अपनी कार्रवाई करेंगे, कल को हम करंट लगा देते हैं, आगे पीछे करंट लगाते हैं तो मर जाता है वो, तो उसमें हमारे पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जहाँ पर जो हम अभी अब रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, इसकी प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए इसकी, तो नहीं तो कल को अगर हम उल्टा कदम ले लेते हैं मर जाता है तो हमारे पास कोई एक्शन नहीं होना चाहिए इसके बारे में।